क्विक शॉर्ट रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ मैं सुबह सुबह लंच बॉक्स में के लिए बना रही हूँ प्याज के पराठे। और मैं प्याज के पराठे किस तरह से बनाती हूँ जो कि यमी लगे और अच्छे से पके पके सॉफ्ट से रहे, चलिए शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप के अराउंड आटा, उसमें डाला मैंने नमक, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, जीरा धनिया पाउडर और उसके बाद कलौंजी। और यहाँ अजवाइन लेंगे, अजवाइन को हाथों से थोड़ा सा क्रश कर देंगे। और यहाँ पे मैंने स्लाइसेस में कट किए हुए ऑनियन लिया है। यहाँ पे फिर ग्रीन चिल्ली मैंने ऐड करा, थोड़ा सा मैंने स्प्रिंग ऑनियन भी ऐड कर दिया है। और अब मैंने इस पे 1/2 टेबल स्पून के अराउंड घी ऐड किया है ताकि जो पराठे हो अच्छे से सॉफ्ट हो, और मोए के साथ ना पराठों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। अब इसके साथ हम एक डो तैयार कर लेंगे। डो आप नॉर्मल ही रखें और जब भी पराठे बनाएं तुरंत ही इसे प्रिपेयर करें और पराठे बेलना स्टार्ट कर दें। ज़्यादा देर रखने से आटे गीले हो जाते हैं, तो इसीलिए जब भी आप पराठे बनाएं तुरंत आटा प्रिपेयर करके रोटियां बेलना स्टार्ट कर दें। और इसके साथ अचार, भुजिया आप किसी की चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब बेलना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल फटाफट से मैंने आटा डो तैयार किया और फटाफट से मैं बेलने भी लगी, मैंने वेट नहीं करा। और अब बेल के इसे तुरंत सेक भी लेंगे। जितना हो सके आप जितना पतला बेल सकते हैं इसे उतना पतला बेल लें। अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे तवा पे दोनों साइड से सेकेंगे, और कोशिश करें कि हाई फ्लेम ना करें। जब हमें घी डालेंगे तभी हाई फ्लेम करना है। तो अब देखिए धीमे आंच पे सेकते हुए इसको अब हम घी से दोनों साइड रोस्ट कर लेंगे। तो ये पराठे इतने यम्मी लगते हैं, मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट है। मैं तो चाय के साथ बस ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत ही इजी है इसको बनाना। मैं तो लंच बॉक्स में अक्सर ये बना के लंच बॉक्स में पैक कर देती हूँ। बेटे और हस्बैंड दोनों को बहुत पसंद है। तो कैसी लगी ये आप सुपर टेस्टी सुपर इजी पराठों की रेसिपी? अगर आपकी मेरी रेसिपी शॉर्ट वाली अच्छी लगती है तो इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ये पराठे मैं अब जल्दी से लंच बॉक्स में पैक कर देती हूँ। तो 1/2 आवर में ये पराठे, उसके साथ मैंने भुजिया भी बनाया था, वो बन के भी तैयार हो गए। इतनी जल्दी बन जाता है इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक तृप्ति टेस्टफुल टेबल। बाय बाय।